ऐसा कहते हैं और ये सब लोग कहते हैं और किसी ने इसको कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं किया कि वो बताते डेफिनेशन, जो अपने आप को हिंदू कहता है उसको हिंदू मानना, जिसका बाप हिंदू है उसको हिंदू मानना, और जिसको हम हिंदू मानते हैं उसको हिंदू मानना। तो आप चाहे जब किसी को भी हिंदू मान सकते हैं, किसी को भी नहीं मान सकते, वर्केबल है, आपका काम नहीं रुकता, आपको जो काम कर रहा है वो कर लीजिए। लेकिन उन्होंने एक बार कहा, ऐसा हमको मुरोपन जी ने बताया, कि अरे इसके डिफाइन करने की क्या आवश्यकता है, मोहन भागवत को डिफाइन करो, क्या डिफाइन करना, वहां दरवाजे में खड़े होकर मोहन भागवत ऐसे आवाज दो ना, जो आ कहेगा वो मोहन भागवत है। तो आपको डिफाइन क्या करना, आप पुकारो हिंदू करके पुकारो, जो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे वो हिंदू है, इसी वर्केबल डेफिनेशन है। ये हमको आसान लगती है, किसी को और कोई डेफिनेशन आसान लगती होगी, हरेक की डेफिनेशन अपने अपने मामले में अलग अलग रहती है और रहनी पड़ेगी। हिंदुत्व भी ऐसा है, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ हम कहते हैं, सही बात है, वे ऑफ लाइफ है, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। इंग्लैंड में ऐसा, यूके में ऐसा हुआ, सबको चैरिटी कंसेशन थे सरकार की ओर से, मुसलमानों को थे, ईसाइयों को थे, बौद्धों को थे, जैनों को थे, शैव करके कोई जाता था तो था, वैष्णव जाता था तो था, हिंदू करके नहीं था। और इसलिए वहां हिंदू स्वयंसेवक संघ और हिंदू नाम से चलने वाले ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशन, इनको कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने पिटीशन किया तो कोर्ट ने कहा कि हिंदू रिलीजन कहा है, हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, आप ही लोगों ने कहा है, उन्होंने चार उद्धरण दिए। तो हमारे लोगों ने अर्ज किया कि नहीं हिंदू रिलीजन भी है, हमारे संघ के लोग जो कहते कि हिंदू रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ, उनको वहां कहना पड़ा। तो वहां आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी इन सब बातों का निर्णय करते, क्योंकि ये शास्त्र के निर्णय, वो सरकार नहीं करती है, कोई अमुक सिस्टम धर्म है कि नहीं वो वहां का धर्म प्रमुख करेगा। तो बताया गया कि उनके साथ बात करो, डेट फिक्स हुआ। हमारे इंग्लैंड के संघचालक सत्यनारायण जी थे उस समय, तीन दिन उसके साथ बैठे, शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने समझाया उसको कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है लेकिन हिंदू रिलीजन्स है, रिलीजन नहीं होगा तो भी रिलीजन्स है, ऐसा कहता नहीं है, फिर कंसीजन मेरा। तो जहां जो व्यक्ति है वहां उस प्रकार हिंदू की व्याख्या करनी पड़ती है, भी है और इसमें कोई असत्य नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द जगह जगह पर लगाया गया है, ये पहले था ही नहीं, हमको ऐसे किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। हमारे यहां पर जो कुछ विचार हुआ सारी दुनिया को अपना मानकर हुआ, मानव को एक मानकर हुआ, इसलिए मानवता का ही हमारा धर्मशास्त्र लिखा गया। तो हमने क्या कहा, मानव धर्मशास्त्र, न वेदों में हिंदू शब्द है, न महाभारत में है, न रामायण में है, बाद में आया कभी, तो हमको जरूरत ही नहीं थी, आया कहां से। तो सब कहते हैं ईसा पूर्व 13 शताब्दी की बात है। अब कालगणना के बारे में बड़े विवाद है, इसलिए वो कालगणना और वो समय वो जमता है कि नहीं मालूम, जमेगा क्योंकि विवाद है तो जम भी सकता है। कहते हैं कि झरतुष्ट जब अलग हुए और थोड़ा सा कट्टरपंथी थे कि हमारा ही सही है बाकी सबका गलत है, अपने यहां की मानवता की बात थी और इसलिए हमारा भी सही है, तुम्हारा तुम्हारी जगह सही है, तुम अपनी श्रद्धा पर चलो, मैं अपने श्रद्धा पर चलता हूं, लेकिन देखो मिलकर चलना है, आपस में झगड़ा नहीं करना, मेरी श्रद्धा का तुम आदर करो, तुम्हारी श्रद्धा का मैं करता हूं, और केवल आदर नहीं करता हूं, मैं भी ये मानता हूं कि तुमको तुम्हारे रास्ते से वही भगवान मिलेगा जो मेरे रास्ते से मुझे मिलता है, कथा है उपनिषद में, इसी नाम दिए उन्होंने, अमुक स्थान का अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान का अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान का अमुक व्यक्ति, एक व्यक्ति को मिलने गए कि वो आत्मा क्या है, उसकी वो ब्रह्म क्या है, उसका ज्ञान हमको करना है, हम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं लेकिन आप उसके जानकार है तो हम जिस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो फिर वो पूछता है कि आप किस ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो कहता कि हम वायु ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। वो कहता हाँ इसीलिए आपके यहां धन धान्य सब प्रकार की समृद्धि है, आप सब लोग स्वस्थ है, आपके कृषि में अन्न उपजता है, आपको लंबा और आयु आयुष्य मिलेगा और आपको शांति भी प्राप्त होगी। फिर उसको पूछता है तुम, तो कहता मैं अग्नि ब्रह्म की उपासना करता हूं। फिर कहता हाँ इसीलिए आपके वही बिल्कुल वही पैसेज, इसीलिए आपके यहां ये है वो है। तो देखने लगते पांचों लोग कि हरेक के ब्रह्म के का बारे में ये वही बात बता रहा है। फिर वो हंस के कहता है कि अरे भाई वास्तव में हम सब इस ब्रह्म के एक एक अंग की उपासना कर रहे हैं,
ये पूरा ब्रह्म ये सब मिलाकर और कुछ है, और उस पूरे ब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं, ये मन में रखकर अपने अपने ब्रह्म की उपासना करो। अभी हमारे यहां का विचार था, अब वो नहीं रास आया, हमारा ही सही है तुम्हारा गलत है, इसलिए अलग हुए। तो ये लोग कौन है जो अलग हुए वो, और जिनसे अलग हुए वो लोग कौन है? नाम देने की उनको जरूरत पड़ी, क्योंकि थे तो यही के सिंधु के उस पार चले गए और ईरान में बस गए, तो वहां के मूल निवासियों ने पूछा कि आप लोग कौन है, आप भी तो उधर से आए। तो बोले नहीं, हम ऐसे ऐसे है, जरतृष्टि है, और ये लोग कौन है? तो ये सिंधु के उस पार के लोग हैं, यानी हिंदू है, ये नाम हमको पड़ा, ऐसा कहते हैं। आचार्य महाप्रज्ञा जी से मैं मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने कहा कि हमारा धर्म अलग है लेकिन समाज हमारा हिंदू है, संस्कृति हमारी हिंदू है, राष्ट्र हमारा हिंदू है। और ये बड़ा प्राचीन शब्द है जैन साहित्य में, घुमंतु लोगों के अर्थ में, हमारे लोग सारी दुनिया में घूमते थे, पहला मानव यहीं पर उत्पन्न हुआ, यहीं से दुनिया में सारे जाकर देखकर आया, और आने के बाद वेदों में कहा कि ये हमारी भूमि श्रेष्ठ है क्योंकि सारी भूमि देख ली थी। तो ये घूमने का स्वभाव जो है उसको अभी भी मराठी में शब्द चलता है, उस समय की प्राकृत भाषा में हिंडन कहते थे, मराठी में हिंडने कहते यानी घूमना, और इसलिए ये हिंदू का बच्चा ऐसा परिचय करा दिया। व्यापारी विदेश में पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कौन आया है, ये हिंदू का बच्चा आया है, ऐसा हिंदू शब्द आया। जैसा भी आया हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वो आया और उन्हीं लोगों में रहा जिन्होंने दिया था, हमारे यहां तो वही शब्द चल रहा मानव, और कोई शब्द नहीं, दुनिया से अलग होने की हमको जरूरत ही नहीं है। और फिर व्यापारी वहां से आने लगे तो वो कहते थे कि हिंदुस्तान जा रहे, हिंदू देश जा रहे, तो भी वही रहा। फिर दुनिया में बाकी जगह क्या चलता है इसकी ज्यादा खबर तो चिंतकों को ही होती है ना। आज अगर स्वामी जी हमको बताते नहीं तो ये ब्लू स्क्रीन गार्ड वगैरह हमको कहां मालूम होता, वो पढ़ते हैं वो लिखते हैं फिर हमको पता चलता है, ऐसा उस समय भी था। तो लोगों को पता नहीं था, हमारे चिंतकों के शास्त्रार्थ में वो शब्द आ गया, तब से फिर ग्रंथों में आ गया, हिमालयम सरम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम वगैरह, वो तब आ गया, और तब भी वो पॉपुलर वर्ड नहीं था। लेकिन फिर इस्लाम का आक्रमण हुआ, और इस्लाम के आक्रमण में उन्होंने पीटना शुरू किया, वो सभी को पीटते थे, बाकी सबको पीटना, वो बताया स्वभाव कैसा है, एक सोल्जर कम्युनिटी भी नहीं। हमारा ऐसा क्यों है? हमारी सुजल सुफल मलय शीतल भूमि अनुल्लंघ्य थी पुराने जमाने में, तीनों ओर से हिमालय, तीन ओर से सागर, और उत्तर पश्चिम पूर्व का शेष भाग हिमालय, हिंदू कुश, ये सबने मिलकर हिमालय की दो बाहु है, वेदों में वर्णन है, हिमालय के दो बाहु में सागर पर्यंत भूमि को आलिंगित करता हुआ ऐसा है। तो ये हमारा देश होने के नाते बहुत समृद्धि, परचक्र का बिल्कुल खतरा नहीं, और इसलिए कोई आ गए तो आओ भाई, तुम भी बैठो, तुम भी हमारे, ये स्वभावना शांति अहिंसा समृद्धि ये सारा अपने यहां।